हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो आपके मन में अक्सर रहता होगा, अगर आप HTML यूजर हैं या अगर आपने HTML सीखना शुरू किया और आप टेबल टैग को सीख रहे हैं, तो टेबल टैग में बॉर्डर को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आज मैंने देखा क्लास में किस तरीके से कंफ्यूजन रही, तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा छोटा सा आउटपुट। देखिए, ये दिक्कत आपको अक्सर आएगी, ठीक है, जब आप कोडिंग करेंगे तो आउटपुट देखिए कितना छोटा सा आउटपुट बन रहा है। ठीक है, जबकि आप कहेंगे कि हमने कोडिंग पूरी करी है। तो यहाँ पर देखिए, ये कोडिंग है टेबल बॉर्डर 3 और सेल पैडिंग यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, स्पेलिंग गलत हो जाने के चलते आपको ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब सेल पैडिंग में स्पेलिंग देखिए क्या रह गई है, तो ये आउटपुट बड़ा छोटा सा बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है। देखिए, ये है ना, ये इस तरीके का आउटपुट आपको दिखेगा, जिसको बिल्कुल आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप सीधा चेक कीजिए ना कि यहाँ पर लिखते वक्त पैडिंग की स्पेलिंग तो कहीं गलत नहीं हो गई है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आपको रहेगी। तो अगर आपने पैडिंग की स्पेलिंग सही कर दिया तो फिर बाकी सब सही है। आप इसी आउटपुट को रिफ्रेश कर लीजिए और देखिए, ये आउटपुट बिल्कुल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 4 आ रहा है, ये 4 क्यों आ रहा है, 4 को देखते हैं यहाँ पर क्यों आखिरकार 4 आ रहा है। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो है ये लिखते वक्त लास्ट में 4 हो गया, इसके वजह से 4 आ रहा है। चलिए, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे तो ये 4 ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ से। देखिए ये, तो अभी आप देखेंगे कि 2 रो और 3 कॉलम बने हुए हैं इसमें। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये बॉर्डर आपको जो दिखाई दे रहा होगा, अब मैं थोड़ा सा इसे जूम भी करता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ी सुविधा हो, आसानी से आप देख पाए। ठीक है, तो देखिए, ये जो बॉर्डर बना हुआ है यहाँ पे ना, ये बॉर्डर देखिएगा जरा, ये बॉर्डर की मोटाई आपको बढ़ानी है और बॉर्डर पे कलर भी देना है, तो एट्रीब्यूट क्या इस्तेमाल हो सकता है, आइए देखते हैं। यहां पर आप आएंगे तो सेल पैडिंग तो आपने दे दिया, अब देखिए इसके साथ हम यहां पर देंगे बॉर्डर इज इक्वल टू, अब बॉर्डर की मोटाई क्या रखनी है, तो बॉर्डर की मोटाई तो दे दी है हमने 3, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर कलर लिखते हैं। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू कौन सा कलर दे देंगे, जैसे मान लीजिए हम रेड देना चाहते हैं, तो यहाँ रेड दे दिया, इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए, मोटाई बढ़ानी है तो यहाँ पे 15 कर दीजिए और इसको कंट्रोल एस करके सेव कीजिए। इसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा और दूसरा बॉर्डर की मोटाई जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए, ये जो है रेड कलर में हो गया और मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई बढ़ गई इसकी, ये यहाँ पे देखिए ये विथ इसकी बढ़ गई है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये एडवांटेज है। अब इसमें कलर चेंज करेंगे तो कलर वहां पर भी चेंज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन, तो ये जो बॉर्डर है ना ग्रीन कलर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये बॉर्डर ग्रीन कलर का हो गया। तो जो भी कलर देंगे और जो मोटाई देंगे, जो विथ देंगे, उतना जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर चेंज करते हैं 45 कर देते हैं, तो देखिए ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, यानी बॉर्डर की विथ जो है काफी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसमें एक काम और हम करने वाले हैं, क्या सेल स्पेसिंग देंगे। सेल स्पेसिंग का क्या फायदा है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, और यहां पर सेल स्पेसिंग देने का फायदा यह है, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। पहले तो इसको छोटा रखता हूं, 55 रखता हूं, 5 बॉर्डर 5 रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, और अब यहां पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 5 मैंने किया है, कुछ गलती हो गई क्या, एक बार चेक करते हैं। यहां पर टेबल बॉर्डर सेल पैडिंग, यहाँ पर सेल स्पेसिंग पूरा नहीं दिया। चलिए यहां पर पहले हम एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको अभी नहीं लिखते, अभी रुक जाइए, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और अब इसका आउटपुट देखते हैं। पहले आउटपुट क्या रहा, तो देखिए ये आउटपुट अभी बन रहा है, लेकिन अभी हमने सेल स्पेसिंग नहीं दिया है, अब सेल स्पेसिंग मैं देने जा रहा हूं। देखिए यहां पर लिखते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग अगर हम कर देते हैं तो सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पर, और जो भी यहां पर हो, जैसे 20-30 जो भी करना हो, तो यहां पर 20 दे दिया और कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, और सेव करके यहां से इसको क्लोज करेंगे और ये एक बार इसको, तो देखिए इन दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ गई है, ये जो मोटा वाला बॉर्डर है और यहां पर ये जो है, इन दोनों के बीच में और सबके बीच में गैपिंग है। देखिए यहां पे बीच में भी गैपिंग आपको दिखेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर कलर और बॉर्डर की विथ किस तरीके से बढ़ाई जाए, घटाई जाए, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।